हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में था कि हमने कैसे बच्चों को स्टार्टिंग करनी है लिखवाना। तो उसमें था, सबसे पहले हमने स्टैंडिंग लाइन पढ़ी थी, देन हमने स्लीपिंग लाइन करी थी, देन हमने स्लांटिंग लाइन करी थी। ओके, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कर्व्स। ओके, क्या करेंगे? कर्व्स। कर्व्स कैसे स्टार्ट करेंगे? जस्ट लाइक हम करेंगे लेफ्ट कर्व, हमने टू डॉट्स बनाए, फिर हम बच्चों को ऐसे बना के देंगे, इस तरह से हम बना के देंगे कर्व। ठीक है, तो बच्चा ऐसे कर्व करेगा, लेफ्ट कर्व। क्या ये लेफ्ट कर्व? हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो बच्चे को ये बताएंगे लेफ्ट कर्व। ओके, क्योंकि आप लेफ्ट में कर्व ले रहे हो, तो फिर बच्चा इसको ऐसे मैच करवाएगा, तो दिस इज़ लेफ्ट कर्व या सी कर्व। ओके, लेफ्ट कर्व या सी कर्व। ओके, नाउ अब आप बच्चे को ओनली टू डॉट्स देंगे। क्या देंगे? टू डॉट्स। तो इसमें क्या करना है, बच्चा टू डॉट से ऐसे सेल्फ बनाएगा सी कर्व या लेफ्ट कर्व। ओके, ठीक है, अब उसको बताएंगे कि पिंक लाइन से स्टार्ट होके सेकंड ब्लू लाइन पे, और अगर आपकी कॉपी में ब्लैक है तो सेकंड ब्लैक लाइन पे। ओके, अब इसके बाद हम बताएंगे राइट कर्व। क्या बताएंगे? राइट कर्व यानी इन्वर्टेड कर्व, हम ऐसे बताएंगे इन्वर्टेड कर्व, है ना, ऐसे इस तरह से आप बना के दोगे डैश डैश में। ट्रेसिंग करवाना है हमको सबसे पहले, ये इन्वर्टेड कर्व, इन्वर्टेड कर्व, इन्वर्टेड कर्व। कभी भी हम स्टार्ट करेंगे तो फोर लाइन की कॉपी से स्टार्ट करें आप, फोर लाइन या फाइव लाइन की कॉपी से। ऐसे आप फ्री नॉर्मल पेपर में प्लीज़ स्टार्ट ना करें, क्योंकि बच्चे की स्टार्टिंग में अगर उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बिगड़ जाती है, तो उसके बाद वापस से नॉर्मल हो पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चे के लिए। ओके, तो उसके बाद आप टू डॉट्स देंगे, तो ये राइट कर्व या इन्वर्ट, है ना, इन्वर्टेड कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने दे दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बच्चे को सर्कल बताना है, इस तरह से और इस तरह से, सॉरी, इस तरह से और इस तरह से बच्चा मैच करवाएगा। ठीक है, पूरा सर्कल देंगे आप, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसमें बच्चा क्या, पहले तो ऐसे बनाएगा टू पार्ट्स में, फिर धीरे धीरे आप बच्चे को बताएंगे यहाँ से स्टार्ट होके पूरा सर्कल, देन सर्कल, देन सर्कल। अगर बच्चा स्टार्टिंग में कवर कर लेता है ये कंप्लीट सर्कल, मतलब टू पार्ट्स की जगह एक ही राउंड में, तो दैट्स बेटर, आप उसको वही सिखाएं। अगर नहीं कर पा रहा है तो आप इसको टू पार्ट्स में स्टार्टिंग में सिखा सकते हैं कि लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, और मिलके बन गया पूरा सर्कल। ठीक है, आप उसको ये भी सिखा सकते हैं यू शेप जो होता है अपना, ठीक है, यू शेप दिस टाइप। ओके, यू शेप इस तरह से आप बता सकते हैं। इसको भी आप पहले ट्रेसिंग से बताएंगे, फिर आप एक दो और तीन डॉट देंगे, उसमें बच्चे को आप पहले ये ट्रेसिंग हो गया, फिर इसके बाद आप थ्री डॉट्स दे दिए आपने, बच्चा आके खुद ही मैच करवाएगा। ठीक है, इसी में आप इन्वर्टेड कर्व दे दें, आप इन्वर्टेड कर्व, तो इस तरीके से बच्चे की कर्व की प्रैक्टिस होगी। ओके, तो इससे हिंदी के जो लेटर्स होते हैं वो भी इजी हो जाते हैं। और जब तक हम स्लीपिंग, स्लांटिंग और ये लाइन करवाते हैं, तब तक हम कुछ फिक्स लेटर्स यूज़ करते हैं, ओके, इंग्लिश में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। प्लीज़ आप, अगर आपने इस लाइन्स वाली अगर आपने नहीं देखी वीडियो, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा आपको किस तरीके से पहले लाइन्स वगैरह कवर अप करवानी है। ओके, थैंक यू।